फाइनली भाई अभी यहाँ पे गाड़ी रोक दी हमने और अभी तोड़ने वाले हैं हम ये ऊपर बड़ का पेड़, क्या बोलते हैं इसे, और ये तोड़ रहे हैं भाई जी, पत्ते तोड़ रहे हैं, ये देखो आगे आगे की टहनियाँ तोड़ रहे ये देखिए भाई बहुत ही भयंकर रास्ता, बड़ का पेड़ है गिर जाऊंगा तो। ये देखिए भाई और ये भाई ने तोड़ दिए, कितने सारे और तोड़ने का दो चार मैं भी तोड़ता हूँ। भाई बताइए क्या है इसकी खासियत, पता नहीं ये शायद उसमें आता है खांसी वासी या कुछ ऐसी चीज़ों में काम आता है, तो ये देख सकते हो ये है बड़ का पेड़। और अभी हम निकल रहे हैं देहरादून साइड, घर से तो ब्लॉग शूट हुआ नहीं, यहीं से शूट हो रहा है, चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। ये बाकी सामान हमारा गाड़ी का, यहाँ पे हमने स्टे किया है और थोड़ा सा यहाँ पे पेड़ वगैरह था, ये बड़ का पेड़ है तो यहाँ से पत्ते वगैरह तोड़े हमने और ये काम आता है आपका। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ये जैसे जो बच्चों के लिए खांसी जैसे थोड़ा आवाज़ वगैरह में प्रॉब्लम होती है उनको बल इस पत्ते में खिलाते हैं, बोलते हैं ऐसी मान्यता है, वो तो बाकी अपने अपने वो बात की बात है, तो ये बाकी देख सकते हो आप। और अब मिलते हैं आपको सीधा आगे, तो चलते हैं अभी और बाकी हमारी गाड़ी रेडी है अभी और अब निकलते हैं सीधा देहरादून के लिए, घर से तो ब्लॉग शूट हो नहीं पाया और ये चलते हैं। भाई लोग अभी हम रुके हैं यहाँ पे, भाई कौन सी जगह है, तीन धारा पे रुके हैं और यहाँ पे आप जब भी आओ तो यहाँ पे रुक सकते हो और ब्रेक लंच वगैरह कर सकते हो, ये देख सकते हो होटल, ये देखिए अच्छे भोजनालय, और आपको मिलते हैं अब सीधे थोड़ी देर बाद, ये बाकी आप देख सकते हो नज़ारा यहाँ का। आपको सीधा आ गई दोस्त साहब, भाई जी बताइए यहाँ पे क्या है, खाना पीना सब चाय पानी खाना पीना सब, ये देख सकते हो पीछे का नज़ारा, ये सामने ये जगह पड़ती है आपकी, ये पीछे है चाय पानी वगैरह खाने पीने का, ये
हमने कर लिया यहाँ पे लंच वगैरह कर लिया और अब निकलते हैं सीधा देहरादून के लिए। और ये देख सकते हो आप पीछे का, यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं, ये तीन धारा है। और अब निकलते हैं सीधा आपको आगे, तो बने रहे आप ब्लॉग के साथ। और अभी हमारी गाड़ी रेडी होने वाली है और चलते हैं आप सीधा आगे।